बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने वेरिएबल को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट्स को। और दोस्तों, ये कांस्टेंट की डेफिनेशन देखिए। कांस्टेंट आर क्वांटिटीज हुज वैल्यूज डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी दोस्तों, जिस तरह मैथ और फिजिक्स में आपने कांस्टेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको अगर आपने एक बार डिफाइन कर दिया तो फिर बाद में वो चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि मैथ के अंदर पाई की वैल्यू 3.14159, आप जब भी पाई को किसी एरिया में यूज करते हैं, किसी सर्कमफेरेंस में यूज करते हैं, तो इसकी वैल्यू यही लेते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, ये भी आप जब भी कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल करते हैं और उसके अंदर ग्रेविटी को यूज करते हैं, तो वो आप हमेशा उस ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स्ड होती है 9.8, विच मीन्स कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं, पाई और ग्रेविटी, ये कांस्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही आपके प्रोग्राम में भी कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनको आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज नहीं कर सकते। एक बार उन वैल्यूज को आपने डिफाइन कर दिया तो फिर वो दोबारा मॉडिफाई नहीं हो सकती। तो ऐसी वैल्यूज या फिर इस तरह के डेटा को कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। जबकि इसके बरक्स हमने पिछले लेक्चर में वेरिएबल को देखा था, जिनको एक बार डिफाइन करने के बाद आप बार बार मॉडिफाई कर सकते थे। वेरिएबल भी डेटा है और कांस्टेंट भी डेटा है। वेरिएबल भी मेमोरी में जाकर स्टोर होता है और कांस्टेंट भी मेमोरी में ही जाकर स्टोर होता है। लेकिन एक बार कांस्टेंट की वैल्यू मेमोरी में स्टोर हो गई तो फिर उसको हम तब्दील नहीं कर सकते, जबकि वेरिएबल को हम जितने नंबर ऑफ टाइम्स चाहें चेंज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि कांस्टेंट को आप अपने प्रोग्राम में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टेंट्स को दो तरीकों से आप अपने प्रोग्राम में डिफाइन कर सकते हैं। उसका पहला तरीका है सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट, यानी जिसको आप हैश डिफाइन या फिर ये कह लें कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू आप इसको डिफाइन करते हैं। और दूसरा तरीका है कॉन्स्ट कीवर्ड का, यानी आप एक दूसरे तरीके के अंदर कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू आप अपने कॉन्स्टेंट को डिफाइन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स को देखते हैं। दोस्तों, ये स्क्रीन पर आपको सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट का सिंटेक्स नजर आ रहा होगा। यहाँ पर ये हैश डिफाइन एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और जैसे ही आप हैश डिफाइन के बाद कांस्टेंट नेम लिखेंगे और फिर वैल्यू लिखेंगे, तो अब प्री प्रोसेसर इस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा इस नेम से। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये प्रोग्राम आपके सामने मौजूद है, जिसमें हमने पाई की वैल्यू को 1000 टाइम यूज करना है। तो हमने 1000 टाइम यूज करने के लिए हर जगह, यानी 1000 टाइम्स ही हमें 3.14159 लिखना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग टास्क है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या कर रहे हैं, आपको अपने मेन के फंक्शन से पहले एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो डिफाइन कर देनी है, जिसमें उस वैल्यू को आप एक नाम असाइन कर देंगे। यानी ये जो पाई की वैल्यू है, इसको आप एक नाम असाइन कर देंगे, कोई भी यूजर डिफाइन अपनी मर्जी से। और क्योंकि आपको अपने प्रोग्राम में ये वैल्यू चेंज नहीं करनी, इसीलिए अब प्रोग्राम में जहां कहीं भी आपको इस वैल्यू को यूज करना था, तो अब आप उस वैल्यू की जगह उसका नाम दे देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले मैंने इस वैल्यू को एक नाम असाइन कर दिया, और अब मुझे प्रोग्राम में जहां कहीं भी ये वैल्यू यूज करनी थी, तो मैंने उस वैल्यू के बजाय उसका नाम लिखा हुआ है। और डियर फ्रेंड्स, इसको आमतौर पर मेन से पहले डिफाइन किया जाता है। और याद रखें, हैश डिफाइन, यानी ये जो आपको एक डायरेक्टिव नजर आ रही है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जिस तरह से हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। और किसी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के आखिर में हम सेमीकॉलन का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये एक रूल है कि आप जो है प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स के आखिर में ही सेमीकॉलन यूज करेंगे। किसी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के आखिर में हम सेमीकॉलन का यूज नहीं कर सकते, और अगर आप सेमीकॉलन लगाएंगे तो आपका कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। और डियर फ्रेंड्स, इसको मेन से पहले इसीलिए डिफाइन किया हुआ है ताकि प्री प्रोसेसर प्रोग्राम को कंपाइल होने से पहले जहां कहीं भी आपने पाई लिखा हुआ होगा, उसको रिप्लेस कर देगा उसकी वैल्यू से, जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने का, वो है कॉन्स्ट कीवर्ड्स के थ्रू। तो दोस्तों ये इसका सिंटेक्स देखिए। दोस्तों, अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त
उसके आगे कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देते हैं तो फिर अब आप उस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने पिछले लेक्चर में एक एग्जाम्पल जिसमें हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था और उसको सबसे पहले एक वैल्यू असाइन की थी 2। उसके बाद हमने उसको दोबारा मॉडिफाई कर दिया था क्योंकि वेरिएबल्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हमने उसके अंदर एक नई वैल्यू स्टोर करवा दी थी 5। क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये एक वेरिएबल है, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हमें आगे इसको हमने इसको आगे चेंज कर दिया, इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। और अब आप जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ रिजल्ट में आपको 5 मिलेगा ना कि 2। यानी यहाँ एक बार वेरिएबल डिफाइन करने के बाद हम इसको बार बार चेंज कर सकते हैं क्योंकि अभी ये सिर्फ एक वेरिएबल है। तो ये देखिए कि यहाँ पर हमने इसको एग्जीक्यूट किया, सबसे पहले कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद रन किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब इस वैल्यू जो वेरिएबल में वैल्यू है वो है 5। लेकिन डियर फ्रेंड्स अगर अब हम इस वेरिएबल के आगे कॉन्स्ट का कीवर्ड लगा देते हैं इस तरह से, तो अब आप देखिएगा और फिर अब हम जब इसको कंपाइल करेंगे, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको कंपाइल किया, तो आप देख सकते हैं कि आपके कंपाइलर ने एरर जनरेट किया है, विच मींस कि जो भी वैल्यूज हमने वार वेरिएबल को असाइन की है वो एक कांस्टेंट कीवर्ड की वजह से परमानेंट हो गई है, उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ अब एक रीडेबल वैल्यू बन गई है। इसीलिए आप इस एरर को भी देखिए कि यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन में असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल, यानी जो अब ये वेरिएबल है वार, ये सिर्फ रीड ओनली वेरिएबल बन गया है, आप इसके अंदर से वैल्यूज को जो कि यहाँ पर लिखी हुई है एक बार आपने लिख दी है, आप उसको सिर्फ एक दफा रीड कर सकते हैं, आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, आप उसमें मजीद कोई वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते, आप उस वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। यानी कॉन्स्ट कीवर्ड की वजह से वेरिएबल यानी वार अब एक सिर्फ रीड ओनली वेरिएबल बन गया है, और क्योंकि आपने कोई और वैल्यू असाइन करने की कोशिश की है इसीलिए कंपाइलर ने आपको एरर जनरेट किया है। तो याद रखिए अगर आपने किसी भी वेरिएबल से पहले कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दिया तो अब आप उस वेरिएबल को बार बार इनिशियलाइज नहीं कर सकते, आपने एक बार जो उसके अंदर वैल्यू डाल दी है उसके बाद आप उसमें मजीद कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करा सकते, अपडेट नहीं। और डियर फ्रेंड्स ये तो हो गई बात डेफिनेशन की, अब आइए कॉन्स्टेंट की टाइप्स को देखते हैं। तो दोस्तों कॉन्स्टेंट कई तरह के होते हैं, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स, करेक्टर कॉन्स्टेंट और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स वगैरह। तो सबसे पहले इंटीजर कॉन्स्टेंट्स को देखते हैं। दोस्तों इंटीजर कहते हैं एक नंबर को, यानी इंटीजर कॉन्स्टेंट एक ऐसा नंबर होता है जिसमें डेसिमल नहीं लगा होता, यानी जिसमें पॉइंट नहीं लगा होता, जैसे -55 ये एक इंटीजर कॉन्स्टेंट है, 35 एक इंटीजर कॉन्स्टेंट है, इसी तरीके से 0 भी एक इंटीजर कॉन्स्टेंट है। यानी इंटीजर कॉन्स्टेंट एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई पॉइंट नहीं लगा होता, और इस तरह के कॉन्स्टेंट को हम इंटीजर कॉन्स्टेंट कहते हैं। इसके बाद है जो कॉन्स्टेंट की दूसरी टाइप है वो है फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। दोस्तों ये भी एक नंबर ही होता है, लेकिन ये ऐसा नंबर होता है जिसमें डेसिमल का लगा होना लाजमी है, जैसे 22.5 एक फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट है, -0.12 ये भी एक फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट है, लेकिन 2.0 और 2, दोस्तों अगर आपने मैथ्स में ये देखा होगा तो मैथ्स में हम इसको एक ही चीज मानते थे, यानी एक ही नंबर मानते थे, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर 2.0 एक फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट है जबकि 2 एक इंटीजर कॉन्स्टेंट है। इसके बाद है करेक्टर कॉन्स्टेंट। दोस्तों करेक्टर कॉन्स्टेंट ऐसा कॉन्स्टेंट होता है जिसमें अगर हम किसी भी एक सिंबल पर सिंगल कोटेशन लगा दें तो इस तरह का कॉन्स्टेंट करेक्टर कॉन्स्टेंट कहलाएगा। और यहाँ सिंबल में सिर्फ अल्फाबेट शामिल नहीं है बल्कि स्पेशल सिंबल्स, डिजिट्स, हद तक कि स्पेस भी एक स्पेशल सिंबल है, और अगर इनमें से किसी पर भी आप सिंगल कोटेशन लगा देंगे तो ये करेक्टर कॉन्स्टेंट कहलाएगा। जैसे ए, इसके ऊपर आपने सिंगल कोट लगा दी है तो अब ये ए कहलाएगा करेक्टर कॉन्स्टेंट। इसी तरीके से स्पेस, ये स्पेस है और यहाँ पर आपने इसको सिंगल कोट में लिख दिया है तो अब ये भी कैरेक्टर कॉन्स्टेंट कहलाएगा। इसी तरीके से 2 जो कि एक डिजिट है लेकिन क्योंकि हमने इसको सिंगल कोटेशन में लिखा है तो अब ये भी एक कैरेक्टर कॉन्स्टेंट कहलाएगा। लेकिन दोस्तों -2, अब आप बताएं कि क्या -2 ये सिंगल कोटेशन, ये -2 जो है ये कैरेक्टर कॉन्स्टेंट है, एक वैलिड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट है? दोस्तों इसका जवाब आएगा नहीं, क्योंकि -2 के अंदर सिर्फ एक करेक्टर यूज नहीं हो रहा बल्कि 2 करेक्टर्स यूज हो रहे हैं, 2 सिंबल्स यूज हो रहे हैं, माइनस एक अलग सिंबल है
और टू एक अलग सिंबल है। तो याद रखिए करेक्टर कॉन्स्टेंट के अंदर आप सिंगल कोटेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही करेक्टर लिख सकते हैं, और अगर आप सिंगल कोटेशन के अंदर एक से ज्यादा करेक्टर्स लिखेंगे तो आपका कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप कोई ऐसा लफ्ज शो करवाना चाहते हैं मेमोरी में जिसमें एक से ज्यादा करेक्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि आपका नाम, तो इसके लिए जिस कॉन्स्टेंट्स को यूज किया जाता है वो कहलाता है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। दोस्तों, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में आप एक से ज्यादा करेक्टर्स को एक साथ स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम सिंगल के बजाय डबल कोटेशन यूज करेंगे इस तरह से। तो दोस्तों, ये वो तमाम कॉन्स्टेंट की टाइप्स हैं। अब आइए इसको प्रोग्राम में आप किस तरह से डिफाइन करेंगे इसकी डिटेल। दोस्तों, इंटीजर कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने से पहले हम सबसे पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करेंगे। याद रखिए, आप किसी भी किस्म का कॉन्स्टेंट डिवाइड डिफाइन कर रहे हो, इंटीजर हो, फ्लोटिंग पॉइंट हो, करेक्टर हो या फिर स्ट्रिंग हो, आपको उससे पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखना लाजमी है। उसके बाद, क्योंकि हम इंटीजर कॉन्स्टेंट डिफाइन कर रहे हैं, तो इंटीजर कॉन्स्टेंट के लिए जो डेटा टाइप हम यूज करते हैं वो कहलाती है इंट। इसके बाद हम वेरिएबल नेम लिखेंगे और वेरिएबल नेम के अंदर एक वैल्यू असाइन कर दी मैंने 5 की। तो दोस्तों, इस तरह से आप इंटीजर कॉन्स्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। दोस्तों, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट के लिए आप सबसे पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद आप फ्लोटिंग पॉइंट के लिए जो सी के अंदर डेटा टाइप यूज की जाती है वो कहलाती है फ्लोट। उसके बाद आपने एक वेरिएबल ले लिया बी के नाम से और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी 5.05। क्योंकि दोस्तों, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आप डेसिमल वाली वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, जबकि इंटीजर के अंदर आप सिर्फ नंबर्स को ही स्टोर करवा सकते हैं। दोस्तों, इंटीजर के अंदर ये अगर डेसिमल वाली वैल्यू को स्टोर कर भी लेगा, कि जब आप उसको प्रिंट करवाएंगे तो ये डेसिमल के बाद जो वैल्यूज होंगी उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो इसके बाद जो तीसरी टाइप है वो है करेक्टर कॉन्स्टेंट। करेक्टर कॉन्स्टेंट के लिए भी आप सबसे पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद आप करेक्टर कॉन्स्टेंट के सी के अंदर करेक्टर कॉन्स्टेंट के लिए हम जो डेटा टाइप यूज करते हैं वो कहलाती है 4। इसके बाद हमने यहाँ पर इसके लिए जो वेरिएबल यूज किया है वो है सी, और अब जो आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाएंगे वो याद रखिए वो सिंगल कोट में होना लाजमी है और वो सिंगल करेक्टर होना लाजमी है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है सी सिंगल कोटेशन के अंदर। इसके बाद दोस्तों, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने के लिए आप लिखेंगे कॉन्स्ट का कीवर्ड। उसके बाद आप इसके लिए जो डेटा टाइप यूज करते हैं वो कहलाएगी स्ट्रिंग, ये कैपिटल में होगी। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे डी, जो कि एक वेरिएबल नेम है, और अब यहाँ पर आप लिख देंगे जो भी आप एक से ज्यादा कैरेक्टर्स यूज करना चाहते हैं, ए बी सी 1 2 3, हत्ता कि आप कोई स्पेशल सिंबल भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये तमाम कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए जाते हैं। दोस्तों, ये तमाम थी कॉन्स्टेंट की टाइप्स। यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ, जिसके अंदर हमने देखा कि कॉन्स्टेंट होता क्या है, इसको आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और एक कॉन्स्टेंट की क्या क्या टाइप्स होती है। अगले लेक्चर में हम डेटा टाइप्स की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।